इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मेहमानों का स्वागत करेंगे। आज हमारे साथ कई पॉलिटिकल पार्टी से मेहमान हैं। भारतीय जनता पार्टी से गौरव भाटिया हमारे साथ हैं। गौरव जी स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से सुप्रिया श्रेष्ठ जी, सुप्रिया जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जेडीयू से अजय आलोक जी आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बड़े दिनों बाद बात हो रही है। अजय जी स्वागत है आपका भी। घनश्याम तिवारी जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, घनश्याम जी का स्वागत है। और हमारे साथ शाकिर अली साहब टीएमसी से। शाकिर साहब आपका भी बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत सारे सवाल आपके लिए भी है हमारे पास, लेकिन पहले मैं गौरव भाटिया आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। आज जो कुछ राज्यसभा में हुआ उसको मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि उसको जायज ठहरा सकता है जो कुछ मंत्री महोदय के साथ हुआ था। लेकिन उसके बाद टीएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और मैंने उसमें सुना डेरेक ओब्रायन साहब ये कह रहे थे कि हम तो एक स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन चाहते हैं, हम चर्चा चाहते हैं। तो अब चर्चा की मांग थी, फाड़ा गया पर्चा, उसके बाद एमनेस्टी का बयान कुछ कह रहा है, आपकी मंत्री कह रही है फेक न्यूज है। मुझे ये बताइए कि संसद में इस सत्र का कुछ अभी आगे के दिन बाकी है या धुल गया सत्र ये? सौरभ जी देखिए, सबसे पहले तो हम दूसरे विषय पे तो आएंगे ही, लेकिन सकारात्मक रूप से पार्लियामेंट चलनी चाहिए, विधेयक आने चाहिए, कानून बनना चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और ये पर्चा नहीं फाड़ा है, ये टीएमसी, कांग्रेस, सपा, इनकी वैसे ही कुछ इज्जत नहीं है, बची कुची जो इज्जत थी उसको इन्होंने आज फाड़ दिया है। और जनता भी इनको सबक देगी, क्योंकि लोकतंत्र में आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा, और जब आप जाएंगे और आपके कृत्य ऐसे होंगे तो जनता जरूर सबक देती है, जैसा हमने पहले भी देखा है। और ये फाड़ने की प्रक्रिया कहां से शुरू हुई, मैं देख रहा था तो याद आया कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस कैबिनेट से पास करा लिया, लेकिन गांधी परिवार के व्यक्ति हैं, उन्होंने अपनी नादानी दिखा के उसको फाड़ दिया। उन्होंने वो ऑर्डिनेंस नहीं फाड़ा था, उन्होंने दिखाया कि इस लोकतंत्र से ऊपर हम मानते हैं, ये गांधी परिवार है। उसके बाद सीएए याद करिए, ओएसी जी ने इसी तरह से जो बिल था वो पार्लियामेंट में फाड़ा, क्या हश्र हुआ है उनका आप देख लीजिए। मैं फिर कहूंगा, अगर आप कोई उत्तर चाहते हैं, और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी पहले एक बयान दे चुके हैं, पुनः एक बयान दे रहे थे, उस बयान को सुनने की क्षमता आप में होनी चाहिए। ठीक है, आप कहते हैं उत्तर दो उत्तर दो, अगर संसद के पटल पे उत्तर नहीं देंगे तो कहां देंगे। मैं यहां पूछना चाहता हूं, एक एक करके सबसे पूछिएगा कि इस तरह से कागजों को फाड़ना, जो मंत्री आपकी बात का उत्तर देना चाह रहा है आप नहीं कर रहे हैं, क्या ये लोकतंत्र का जो मंदिर है? मैं सबसे जवाब लूंगा गौरव भाटिया साहब, लेकिन आप मेरे को एक लाइन में इस बात का जवाब दे दीजिए। इनकी मांग है लगातार कि ये पेगासस जासूसी मामले पर चर्चा होनी चाहिए सदन के अंदर, क्या इसके लिए आप तैयार हैं? देखिए सौरभ जी, हर तरह की चर्चा, चाहे वो कोविड 19 का प्रबंधन हो, प्रधानमंत्री जी ने एक बैठक बुलाई तो कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने, टीएमसी ने तो बॉयकॉट कर दिया उस बैठक को। ठीक है, अब इसी तरह से यहां कह रहे चर्चा होनी चाहिए, जब चर्चा करने के लिए तैयार होंगे तो ये लोग चर्चा से भाग जाएंगे। चलिए अच्छा, तो ठीक है, पूछिए पहले। आपको चर्चा से एतराज नहीं, आप शाकिर अली साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए आज जो कृत्य किया है शांतनु सेन साहब ने, उसके बाद आपको लगता है कि कोई सकारात्मकता दिखेगी आपके, आपकी पार्टी के या विपक्ष के और सरकार के बीच में? सौरभ भाई, गौरव भाटिया जी बहुत ही पुराने बात याद दिलाए, मनमोहन सिंह टाइम का जो हुआ था, बहुत अच्छी बात है, ये जानकारी देश को पता चलना चाहिए। लेकिन अभी जो दो महीना पहले बिहार में वहां के चुने हुए विधायकों को जो पीट पीट कर असेंबली से पुलिस दाखिल हो जाती है असेंबली में और पीट पीट के निकाल के बाहर कर देती है, और सड़कों पर लेटा विधानसभा के कोटिडेन पर सांसद मंत्री के हाथ से स्टेटमेंट लेकर के फाड़ दे। सुनिए, ये जो हम तो बोल रहे हैं, ये जो है जहां जहां पर, जहां पर ये जो फाड़ा फाड़ी का जो मामला है ये पहले से होता आ रहा है, लेकिन प्रतिवाद का भी ये एक अच्छा
तरीका है, ये प्रतिवाद का एक अच्छा तरीका। देखिए ये प्रतिवाद का अच्छा तरीका है हम लोग कर रहे हैं शाकर अली साहब, ये प्रतिवाद का अच्छा तरीका है कि एक मंत्री के हाथ से कागज छीन कर फाड़ दें और आसन की तरफ फेंक दें, ये प्रतिवाद का अच्छा तरीका है। कम से कम ये तो मत कहिए मंत्री अगर रिमोट कंट्रोल के तरह काम रिमोट कंट्रोल चलाने के बाद अगर काम करेंगे, जो मुद्दा पर बात हो रही थी उस मुद्दा से हट के अश्वनी कुमार जी अगर दूसरे मुद्दा पर जाना चाहते हैं तो ऐसे चीज का प्रतिवाद हम करते हैं, खंडन करते हैं, खंडन कीजिए ना, ये मुद्दा है उसके कागज क्यों छीनते हैं, आज कागज छीन रहे हैं कल को बाहर खींचेंगे, कल को किसी को धक्का देंगे, अब यही रह जाएगा। आप मुझे देखिए आपके आपके प्रोटेस्ट करने से किसी को एतराज नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आज किया आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं बार बार, ये मुझे बड़ा निराशाजनक लग रहा है। देखिए जस्टिफाई करने का कारण है क्योंकि इतना सीरियस इशू है, इतना सीरियस इशू पर आप ध्यान ना देके आप जो है ये सब जो आप नाटक कर रहे हैं कि आप जो कागज लेके वो दूसरे दूसरे बयानबाजी कर रहे हैं वो सब नहीं, जो मेन मुद्दा है उस मुद्दा पर बात करें। मुद्दा क्या है, इतने इतने किसी का भी प्राइवेसी आप जो है टैपिंग करवा रहे हैं। हाँ। और इससे जो है ये आप जो तो ये मंत्री तो ये मंत्री उसी विभाग के हैं कि नहीं, ये मंत्री उसी विभाग के हैं कि नहीं, और क्या ये मंत्री उसी मुद्दे पर जवाब दे रहे थे या नहीं, आपको उस जवाब देने के बाद उनसे स्पष्टीकरण मांगने का भी मौका मिलता, वो भी गवा दिया पार्लियामेंट में आज आपने। बहरहाल एक मिनट, आपने लेकिन बार बार कहा कि जो कुछ किया आपकी पार्टी ने ठीक किया, आपने कहा आपकी पार्टी ने जो किया ठीक किया, ये ऑन रिकॉर्ड आ गया। ठीक है एक मिनट सुप्रिया जी के पास जाना चाहता हूं मैं। सुप्रिया जी शुरुआत में मैं आपसे सिर्फ पूछना चाहता हूं, जो कुछ आज राज्यसभा के अंदर हुआ आपकी पार्टी उसे जायज मानती है? आज दो शख्स बड़े याद आते हैं, एक सुषमा जी और एक अरुण जेटली जी, और दोनों के लिए ही मेरे मन में बहुत आदर है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। सुषमा मेरे एक्को आरएस को ठीक कराइए। सुषमा जी ने पार्लियामेंट में एक बार कहा था तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता ये काफिला क्यों लुटा, और बात वही है आपने पेगासस इस्तेमाल किया या नहीं किया, इस बात का जवाब भारत सरकार क्यों नहीं दे रही है। और दिक्कत की बात यह है कि ये आईटी मंत्री कुछ और कहते हैं लोकसभा में, और इनके प्रीडिसेसर रविशंकर प्रसाद जी आईटी मंत्री रहते हुए भी उन्होंने कहा था अनऑथराइज नहीं हुआ है, और अभी चीफ स्पोक्सपर्सन की हैसियत से भी उन्होंने कहा था, तो क्या हुआ 45 देश भी तो कर रहे थे, भारत को ही क्यों बोला जा रहा है। तो ये समझना जरूरी है, इधर उधर की बात मत करो, एक ही सवाल है पेगासस का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, ये पहला बात है। दूसरा अरुण जेटली जी इसलिए याद आते हैं क्योंकि उन्होंने कहा था डिसरप्शन इज अ लेजिटिमेट टूल इन अ डेमोक्रेसी, जब सरकार अपने दंभ और अहंकार में इतनी चूर हो जाए, और ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है, विपक्ष के नेता का, एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का, अपने मंत्रियों का, अपने सांसदों का, इनका सबका तो एक तरफ है, एक ऐसी औरत का फोन टैपिंग और उसके संबंधित 11 नंबर ऐसे टैपिंग जिसमें कि यौन शोषण का आरोप सिटिंग चीफ जस्टिस के लिए लगाया था, और एक ऐसे व्यक्ति का फोन टैपिंग का मामला सामने आया है जो कि चुनाव प्रक्रिया में बड़ी मजबूत भूमिका निभा रहे थे, चुनाव आयुक्त का। ऐसे में जब लोकतंत्र की धज्जियां जब भाजपा उड़ाएगी, और इस तरह के गंभीर आक्षेप, मैं सौरभ जी सिर्फ अपनी बात यह कहकर खत्म करना चाहती हूँ कि इसके बेसिस पर इजराइल ने एक बड़ी कमेटी का गठन किया है, इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का, फ्रांस ने कल एक मीटिंग बुलाई है, उन्होंने ऑलरेडी जांच शुरू कर दी है इस मामले में, और हम अभी भी इधर उधर बगले झांक रहे हैं, विपक्ष को गाली दे रहे हैं, ये हुआ था वो हुआ था। अरे भैया एक विदेशी कंपनी से ये कराना ट्रीजन, मतलब देशद्रोह, नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन। सुप्रिया जी मैं आपसे महिला ठीक है ठीक है, मैं तो आपकी बात से सहमत हूँ, आरोप सामने आते हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ये आरोप जो लगे बड़े गंभीर आरोप है, जांच होनी चाहिए, जिसकी जवाबदेही होनी चाहिए, मैं तो सहमत हूं आपसे, लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट में आपके पास मौका है कि आप सरकार को घेर सकते हैं, अगर आपके नेता चर्चा होगी उसमें बोलेंगे, वो दुनिया सुनेगी, आपके आर्गुमेंट सुनेगी, उससे सरकार घेरेगी, या इस तरीके से वेल में जाकर के पर्चे फाड़ने से इस किस्म की हरकतों से वो घेरेगी, मुझे ये बताइए। सौरभ जी मैं फिर से कहूंगी ये कोई नीति नियम या कानून नहीं है जिस पर डिस्कशन होना है,
जिस पर पक्ष और प्रतिपक्ष और नेता बोलेंगे। ये नीति नियम की बात नहीं है, ये जासूसी का मुद्दा है। देशद्रोह तक के चार्जेस लग सकते हैं इसमें, और इसमें जरूरी है कि न्यायिक जांच हो, सुप्रीम कोर्ट ऑडिटर प्रोब होनी चाहिए इसमें। ये वाद विवाद का मुद्दा थोड़ी है। और मैं एक बात और आपसे छोटी सी कहना चाहती हूँ, ये लोग क्या वाद विवाद करेंगे जिनके मंत्री बैठकर वहां पर बोलते हैं कि किसान मवाली है। माफी मांगे यहाँ पर किसान मवाली बोलने वाले लोग? जांच कराइए, किसानों से बात करेंगे, लेकिन किसान को मवाली बुलाएंगे। ठीक है सुप्रिया जी, एक मैं अजय जी और घनश्याम जी एक जवाब गौरव जी से लेकर के फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। वो कह रही है चर्चा वर्चा कुछ नहीं, जांच कराइए साहब। गौरव जी देखिए, मैंने कहा था ना, जो बची कुछ इनकी इज्जत है उसकी धजियां उड़ी थी, वो पार्लियामेंट में भी उड़ती है और यहाँ पे भी वही हो रहा है। अरुण जेटली जी श्रद्धे और श्रद्धे सुषमा स्वराज जी का नाम लेके बता रही हैं। उन्होंने कहा था डिसरप्शन इज अ वैलिड मींस, मतलब डिसरप्शन का मतलब ये है कि आप कागज को फाड़ दीजिए, आप यही बचाए मर्यादा तार तार कर दीजिए। अरे अरुण जेटली जी हो या सुषमा स्वराज जी हो, तो उनके तर्कों में प्लीज बीच में ना बोले। मैडम जी को गुस्सा आने लगता है, रोक नहीं पाती। आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए कंप्लीट। धन्यवाद। देखिए उनके तर्कों में इतनी धार की धार से और शब्दों के बाढ़ से ये छलनी हो जाते थे, और वो आज इनके पास ना परिपक्वता है, ना ईमानदारी है, और ना तर्कों की धार है। और सुनिए, बीच में मत बोलिए मैडम जी, दीदी के दो मेहमान वेट कर रहे हैं जी, आप तक एक बार भी नहीं जा पाए। आप बीच में नहीं बोलेंगी, कमजोर है तो मैं क्या कर सकता हूँ, बताइए प्लीज। शॉर्ट में कंप्लीट कीजिए। बिल्कुल। दूसरा, इन्होंने कहा कि काफिला क्यों लुटा। सही बात है, कांग्रेस का काफिला इसलिए लूट गया क्योंकि इन्होंने देश को लूटने की कोशिश करी। सौरभ जी मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट पूछ रहा हूं, पूछिएगा। पहली बात, सरकार ने स्पष्ट कहा है कि पेगासस क्या, कोई भी हो, इलीगल इंटरसेप्शन और स्नूपिंग नहीं हुई है, यह बात आ चुकी है संसद के पटल पे। दूसरी बात, पेगासस कंपनी एनएसओ ने खुद कहा है कि इस डेटाबेस की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। और तीसरी बात, मैं सबसे महत्वपूर्ण जो कहता हूं, इनको लगता है राहुल गांधी का फोन स्नूप हुआ है, राहुल गांधी के मूल अधिकार का हनन हो गया है। उनके फोन में ऐसा कौन सा मसाला है कि छुपा रहे हैं? सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय जाए और एक कंप्लेंट, मतलब जिसको जांच करानी है खुद करा ले। आपकी सरकार को नहीं लगता कि इस मामले में किसी जांच की जरूरत है? हमने तो कह दिया नहीं किया है, नहीं किया। चलिए ठीक है, सुप्रिया जी, गौरव जी, दो मेहमान वेट कर रहे हैं, नाइंसाफी हो जाएगी मेरे मेरे पार्ट पर। एक सेकंड, मैं अजय जी के पास पहले जाना चाहता हूँ। अजय 10 सेकंड का टाइम, सुप्रिया जी प्लीज आप एक मिनट लेके बोल लीजिएगा, मैं दो मेहमानों का एक एक रिएक्शन तो ले लूं प्लीज। अजय जी, आपकी नजर में ये मामला जो है किसी जांच के लायक है, चाहे सुप्रीम कोर्ट की हो चाहे जेपीसी की हो, और क्या सरकार को विपक्ष के शक शुबा दूर करने के लिए ऐसी कोई जांच करानी चाहिए? पहली बात, जिस विपक्ष की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची हो, जो पार्लियामेंट सेशन के एक दिन पहले ये पेगासस का नाटक करता है, और उसको लीड करने वाली हमारे एक महान कांग्रेस पार्टी, 70 वर्षीय पार्टी, जिसको ये कला हासिल है कि बिना राई के पहाड़ कैसे बनाते हैं, और आप उनके बाद आप कहेंगे जांच बिठा दो। राफेल पे भी जांच बिठा देनी चाहिए थी जेपीसी, तो राफेल में तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया ना, उसके बाद भी ये नहीं माने, आज भी कह रहे हैं। चक्कर है कि ऐसे लोगों के कारण आप पार्लियामेंट का एक एक मिनट वेस्ट कर रहे हैं, जहां 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट जनता का पैसा खर्च होता है। इनको जो मुद्दे उठाने हैं पार्लियामेंट में उठाने से रोका किसने? ये भगोड़े हैं, ये पार्लियामेंट से भागते क्यों हैं? गुरिल्ला युद्ध कर रहे हैं कि आके पार्लियामेंट को डिस्टर्ब किया, बाहर जाके बैठ गए। एक अंदर में बंगाल की सही पिक्चर दिखा रहा था कि मंत्री के हाथ से पर्चा फाड़ेंगे सदन के अंदर, और बंगाल में इनके कार्यकर्ता बाकी के घर में घुस के लोगों को मारेंगे। तो बंगाल का चित्र आपने देखा आज राज्यसभा में। और दूसरा, गांधी मूर्ति, गांधी जी की मूर्ति के नीचे जाकर धरने पर बैठ गया किसान आंदोलन पे, क्योंकि आज किसानों को अनुमति दे दी गई है जंतर मंतर पे। तो प्योर सियासी नौटंकी के अलावा आज की तारीख में कोई काम है? कंस्ट्रक्टिव बहस मानसून सेशन में नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सपोज हो जाएंगे कि कोरोना में कितना नेगेटिविज्म फैलाया इन्होंने। वैक्सीन आज 42 करोड़ लग चुकी है, उस पर इनका मुंह नहीं खुलेगा, नहीं देखिए उस पर बहस नहीं करेंगे। अजय जी, अजय जी, अभी यहाँ सुप्रिया जी ने क्या बोला, एक पर एक चीज है, ये इन्होंने कहा कि कोई हम कानून बनाने के लिए चर्चा थोड़ी करना चाहते हैं, एक अपराध का आरोप लगा है, उस अपराध की जांच होनी चाहिए। भाई अब मुझे बताइए सौरभ जी, आप तो सब चीज से वाकिफ है, ये अपराध की चर्चा कहां से आई?
फ्रांस की एक एनजीओ चलाने वाली फॉरबिडन स्टोरीज और दूसरी एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल किस तरह की कंपनी है ये हम सब जानते हैं, भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहती है। 2016 बैंगलोर एपिसोड कोई नहीं भूला, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, एमनेस्टी उसको लीड कर रहा था और कांग्रेस की सरकार उसको बचा रही थी। तो एमनेस्टी को किसने पोक किया ये डेटा लीक करने के लिए, और आज एमनेस्टी कहती है कि नहीं हमने कोई डेटा लीक नहीं किया, हमारा कोई संबंध नहीं है। घनश्याम जी, तो इस राय तो कौन है इसके पीछे ये तो पता है ही। जवाब दें सुप्रिया जी। सौरभ जी, मैं इस बहस से थोड़ा सा डाइग्रेस करके एक बात बताऊंगी। पेगासस का जो ये सॉफ्टवेयर है तथाकथित रूप से ये आपके फोन के कैमरे पर कब्जा कर लेता है। अब आप सोचिए, जिन महिलाओं का फोन की टैपिंग हो रही थी उनका कैमरा किसी हैकर के हाथ में था, ये कितनी बड़ी सुरक्षा का उल्लंघन है, कितनी बड़ी निजता की प्रॉब्लम है। सोचिए आप, एक औरत की फोन का टैपिंग किस तरह से थी। बीच में मत बोलिए, परेशान मत होइए, मैं फिर से एक बात बोलूंगी। 45 देशों में 17 न्यूज एजेंसी है, 45 देशों की, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, 45 देशों की 17 न्यूज एजेंसीज ने इस मामले की तफ्तीश करी है। 10 हिंदुस्तान के फोन की फोरेंसिक जांच करी गई है, उसके बाद ये रिपोर्ट सामने आई है। आज आप, अगर आपको लगता है वाशिंगटन पोस्ट, लेमोन, गार्डियन, रेडियो फ्रांस सब झूठ बोल रहे हैं, सौरभ जी एक मिनट मेरी बात सुनिए, अगर सब झूठ बोल रहे हैं तो इनके ऊपर मानहानि का दावा कर दे सरकार। अगर सरकार ही सच बोल रही है और सब झूठ बोल रहे हैं तो मानहानि का दावा कर दे सरकार। ये भी देखा कि नहीं देखा कि आज सुबह से ये खबर भी चल रही है। सुप्रिया जी सुनिए मेरी बात, सुबह से ये खबर भी चल रही है, आपने जरूर देखी होगी कि वो गलत है, उसको डिनाई किया है। मैं दोनों बातें बताऊंगा, एक नहीं दोनों बताऊंगा। एमनेस्टी के बारे में सुबह ये खबर आई कि एमनेस्टी ने कहा कि हमने कभी कहा ही नहीं कि ये 50,000 सारे नंबर इन सब की जासूसी हुई, हमने कहा ये पोटेंशियल टारगेट्स हैं। इसको सरकार के मंत्री ने आके कह दिया, साबित हो गया फेक न्यूज है। सोर्स बेस थी और ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या था? एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि हम अपनी खबर पर कायम है। ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या था? उन्होंने कहा हम अपनी खबर पर कायम है, लेकिन we categorically stand by the findings of the Pegasus project and the data is irrefutably linked to potential targets of NSO Group's Pegasus spyware. लेकिन सरकार पहले दिन से ये कह रही है, सरकार पहले दिन से ये कह रही है। अब मेरा सवाल घनश्याम जी से, मंत्री ने इसको फेक न्यूज कहा। एक मिनट, घनश्याम जी, सौरभ जी, जो मंत्री इसको फेक न्यूज बता रही थी वो माफी मांगेगी। लोकसभा में पहले और आज जो देने की कोशिश कर रहे थे उनके रिटर्न स्टेटमेंट की कॉपी पहले घनश्याम जी। अब सवाल ये है, सरकार ये कहती है, एक सेकंड मैम, जो खबर छपी, ओरिजिनल खबर भारत में छपी, जिस एजेंसी ने छापी, उस खबर में खुद ये मेंशन है कि ये नाम होने का मतलब ये नहीं है कि इनकी जासूसी हुई। तो आप बता दीजिए क्या क्या सबूत है कि किसकी जासूसी हो गई और किसकी नहीं हो गई। घनश्याम जी नमस्कार। सौरभ जी, आपको, आपके दर्शकों को और मेरे को, मैं माफी चाहता हूँ बहुत देर से आपको चर्चा में लाने के लिए। सबसे पहले ये देश में नया दौर है जहां पर किसान होना, खेतिहर होना, अन्नदाता होना गाली है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने और मंत्री के सामने भारत का किसान मवाली है, ये उन्होंने भाषण को दे दिया। दूसरी बात, ये एक अनोखी चोरी है। चोरी क्या हुई? राष्ट्रीय सुरक्षा, गोपनीय मुद्दे, महिला की निजता। गौरव पूछ रहे थे कौन सी महिला, अनेक महिलाएं हैं, स्मृति ईरानी जी के से भी जुड़ी हुई जासूसी है, अनेक महिलाएं हैं, सरकारों को गिराने के आरोप। तो ये देश के लोकतंत्र का मर्यादा भंग होने का मामला है। एक अनोखी चोरी इसलिए है क्योंकि सारी दुनिया कह रही है कि एनएसओ कंपनी ने मिलकर के चुनी हुई सरकार सोवरेन गवर्नमेंट के साथ मिलकर चोरी की है। भारत सरकार इकलौती सरकार है जो सिर्फ ये कह रही है कि चोरी तो हुई ही नहीं जी, मतलब ये अनोखे चोर हैं कि सिर्फ ये कह रहे हैं, सारी दुनिया कह रही है चोरी हुई है। चलिए मैं उत्तर दे दूं, लेकिन भारत सरकार कह रही है चोरी ही नहीं हुई। ये नहीं बता रहे कि चोर से इनकी साठ गांठ है कि नहीं, एनएसओ से इनकी साठ गांठ है कि नहीं। गौरव यहां कल से कह रहे हैं कि चोर का बयान है, एनएसओ का बयान है, यही हमारा सबसे बड़ा बचाव है। यानी भारत सरकार जो गलत एनएसओ यानी चोर से साठ गांठ के आरोप है, उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा का बयान ये है कि इनकी चोर से साठ गांठ है, और चोर का बयान है कि ये चोरी का प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते। आज तक नहीं बता पाए, रविशंकर प्रसाद बता चुके हैं
कि अनेक अनेक देश इस्तेमाल करते हैं एनएसए को, भारत ने भी किया, ऐसे कौन सी बड़ी बात है। जिस सरकार को पता फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने गौरव ने कहा किस महिला की जासूसी हुई, जो मंत्री का आप तस्वीर दिखा रहे हैं इनकी पत्नी की जासूसी हुई, कितनी शर्मनाक बात है। मंत्री क्या बोलेंगे, ये सरकार जो कि अगर अशोक लवासा के ऊपर आरोप लगता है कि उनकी जासूसी हुई है, स्मृति ईरानी के ऊपर आरोप लगता है कि उनकी जासूसी हुई है, कर्नाटक की सरकार गिराने के मामले में जासूसी हुई है, अब कितने लोगों पर जासूसी होगी, जवाब ले लो आपकी बात का, 100 करोड़ खर्च किए जाएंगे कि सरकार कहे कि हमने जासूसी कराई, जवाब ले लो आपकी बात का, गौरव भाटिया जवाब दे। देखिए किस तरह के कुतर्क करते हैं और डकैत अब बताने लगे हैं कि कहां चोरी हुई है कहां चोरी नहीं हुई। अरे भैया आप क्या बोलोगे ये तो आप तय करोगे, मैंने क्या बोला वो तो कम से कम सुन लो। सौरभ जी सबसे पहले मैंने क्या कहा कि आईटी मंत्री का बयान है सबके पटल पर, अगर गलत निकलेगा तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन है ये, समझ लीजिए। ये कह रहे हैं देखो कंपनी के बयान की बात कर रहे हैं, मैंने तो करी नहीं, इन्होंने सुन लिया लगा। आपने तो कल लेकिन हाँ ऑक्सीजन की कमी से भी मौत नहीं हुई, शांति अच्छा क्या हुआ उसका, बोले बोले मैडम बौखला जाती है, इनकी आदत है ये, बोलिए बोलिए आप बोलिए अब डन। तो मैं केवल ये कहूंगा देखिए सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा है ना यहाँ पे हम लोग, कोई बात नहीं आप राहुल गांधी को सुन लीजिए ना बेचारे क्या करते हैं बताइए, मुंह में सूदर लेके बैठ जाते हैं कुछ बोल ही नहीं पाते, उनका क्या लीजिए क्या ये, अरे हर वक्त अच्छा नहीं लगता ना मैडम हर वक्त नहीं अच्छा लगता, इतनी कमजोर है। चलिए थोड़ी गंभीर बात कर रहे हैं, गंभीर बात कर रहे हैं, बोलिए क्यों बोली मैडम, दीदी बहन जी क्या हो गया, बहन जी आप क्या हो, सबसे बड़ा कार्टून पोगो चैनल का तो आपकी पार्टी में है, कार्टून उसको जाके मिलिए, जोकर गिरी थोड़े बिस्किट सूट कर ले दो आपकी कद काठी को, जोकर गिरी क्या देखिए अच्छा नहीं लगता। अच्छा चलिए देखिए मैं इसी बात से डर रहा था, देखिए अभी कभी तो बात हंसी मजाक की होती है ठीक लगती है, अब एक सेकंड नहीं लगेगा आप दोनों एक दूसरे पर बहुत तीखे हमले बोलने लगेंगे, बहुत जोर जोर से बोलने लगेंगे। ठीक है उचित है क्या इनकी बात सुनी, चलिए घनश्याम तिवारी जी मैंने तो सुनी, मैंने आप बोलिए ना, मैं तो कहा बोलिए। देखिए दो पहलू मैं यहां उजागर कर दूं, सबसे पहले तो अगर किसी की निजता का हनन हुआ है जो इनका कहना है, ये इनकी रिपोर्ट है, तो ये क्यों नहीं जा राहुल गांधी या ये जो महिलाएं और सारी महिलाएं भारत की हमारी विरोधी क्यों ना हो जिसमें सुप्रिया सुले जी भी शामिल है, हम इनके साथ खड़े हैं, इनकी निजता को हमें बचा के रखना है इनके हक को, लेकिन कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, सबूत दीजिए, प्रमाण दीजिए, फोन जमा कर दीजिए, नहीं करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी बात वायरल है ये स्टोरी, शांति रखिए आरोपी कोर्ट नहीं जाता है मैडम, आरोपी नहीं जाता है, आपको पता ही नहीं है, प्लीज हम पे आरोप है तो कौन आपका आप अधिकार जो है आनंद हुआ आप जाएंगे। सौरभ जी प्लीज अच्छा चलिए ठीक है गौरव, इस बात से आगे बढ़ते हुए इस बात से आप बार बार ये कह रहे हैं, मेरी आपसे इस पर पहले भी डिबेट हुई, आपने कहा कि जिसको जिसको शक है कि उसके फोन के साथ टेम्परिंग हुई है वो बात पूरी कर लूं क्रमवार तरीके से। सौरभ जी ये टूट जाता है ऐसे फ्लो, बार बार 10 सेकंड में बीच में आके बोलना है नहीं। अच्छा ठीक है आप एक बात का सीधा जवाब दीजिए ना, आप भी एक बार एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे दीजिए, वो बात खत्म हो जाएगी। इन्होंने कहा कि भाई जांच, आप केवल आरोपी नहीं आप देश की सरकार भी हैं, आरोप आप पर लगा है, आरोप विदेश से लगा है, तो अब क्या ये जिम्मेदारी है कि आप लोगों के मन से शक दूर करने के लिए एक जेपी से बैठा दीजिए। हाँ मैं उत्तर दे देता हूं, जहां तक जेपीसी की बात है ना सौरभ जी, आपने कहा सरकार की जिम्मेदारी है, मैं बिल्कुल सहमत हूं, सरकार क्या करेगी, लोकतंत्र के मंदिर में मंत्री आके एक बिल्कुल स्पष्ट वक्तव्य देता है कि कभी इलीगल टैपिंग नहीं हुई है, प्रावधान है राष्ट्र सुरक्षा में टैपिंग हो सकती है, सिंपल। दूसरी बात जेपीसी की, आपको मालूम है तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी जी की ऑफिस की बगिंग तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम करा रहे थे, मनमोहन सिंह जी से मांग करी पार्लियामेंट में, पुरानी पुरानी बात के सही जेपीसी गलती की तुलना आज नहीं हो सकती, तुलनात्मक आरोप ठीक नहीं है, आपने मेरी बात काट दी, मैंने अपनी बात पूरी बोली लेकिन तुलनात्मक आरोप ठीक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कुछ बात कह रहा था, लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि पूरी बात होती नहीं है, लोग बीच में बोलते हैं। सुनिए आपने जेपीसी की बात करी, मैं आपको तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का वक्तव्य बता रहा हूँ, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा जेपीसी की कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि वित्त मंत्री जो थे उनके खिलाफ बगिंग हो रही थी। तीसरी बात जो मैं पूछ रहा हूं उसका उत्तर दीजिए, वायर जिस पे ये रिलाय करते हैं उसने दो बातें प्रमुखता से कही हैं कि ये जो सारा डेटा है ये सांकेतिक है, निर्णायक नहीं है, और
संभावित निगरानी की बात करी, 50,000 के डेटाबेस में 37 नंबर ऐसे हैं जिसकी फोरेंसिक जांच हुई, और उसमें से भारत के कितने वो बता दे ये तो कह रहे हैं ना, उसमें से भारत के भी 10 हैं, ये कह रहे हैं उसमें भारत के 10 हैं जिनकी जांच हुई है। ये जो बहुत आप तो ये करवा रहे हैं, हम लोग को भी मौका दीजिए, बहुत बात जो है आपको बताना चाहता हूँ। जब ये हाउस एडजर्न किया, ये पुलिस के बाद जब स्पीकर हाउस जब एडजर्न कर दिए, और उसके बाद जब मिस्टर सेन पार्लियामेंट में हाउस से बाहर आ रहे थे, तो सांसद मिस्टर पुरी उनको थ्रेटी नहीं, उनको हेकल भी किया, और जो शांतनु सेन के कॉलिग थे बीच बचाव करने के लिए इस बीच में उतरे। तो आप बताइए कि हाउस के अंदर क्या हुआ, उसका रिजल्ट हाउस के बाहर भी देखने को मिल रहा है। एक सांसद को थ्रेट करके और थ्रेट देने के बाद उनको फिजिकली हेकल भी कर रहे हैं। बताइए अब जो है ये उनका स्टेटमेंट है सांसद सेन का, तो इसके लिए देखिए इसके लिए भी कोई मैकेनिज्म होगा ना, वो जा सकते हैं उपसभापति के पास, जाना नहीं चाहिए। देखिए आरोपी कंप्लेनर नहीं होता है। सुनिए आज जो विदेशों के न्यूज पेपरों में मोदी जी का बड़ा बड़ा फोटो छपा हुआ है ये सर्विलेंस के लेके, तो आप जो आप न्यूज पेपर जो फ्रांस का, अरे आप ये बताइए साहब की आवाज़ साफ़ नहीं आ रही है, आपकी आवाज़ बहुत साफ़ सुनाई नहीं दे रही है। अभी इन्होंने गौरव ने ये कहा कि कोई ये बार बार कह रहे हैं प्रमाण लाइए, आपने आरोप लगाया प्रमाण लाइए, आप जिसको शक है अपना फोन जाकर के जांच के लिए दे देगा, दे दे सुप्रीम कोर्ट वो जा सकते हैं, और ये बार बार कह रहे हैं कि 50,000 में से 37 फोन की जांच केवल हुई है जिसमें पाया गया कि कोई छेड़खानी होगी। मेरा सवाल घनश्याम तिवारी से, सौरभ ये किसी एक व्यक्ति के फोन के निजता और उसके फोन से कैमरा से फोटो चुराने का, किसी महिला के सम्मान को चुराने का मामला इकलौता भर नहीं है, ये देश की सुरक्षा का मामला है, गोपनीय मामला है। ये मंत्री हैं, अगर इनके फोन की टैपिंग हो रही है तो कौन कर रहा है ये देश को जानना जरूरी है। अगर ये सरकार कहे, ये एक बिल्कुल सस्ता बयान है कि जाइए जाकर के पुलिस में कंप्लेन कर दीजिए, आप तिहाड़ से लेकर कोई जेल में किसी पेशेवर अपराधी का बयान सुनिए, वो ऐसा बयान देता है जाइए मुकदमा कर दीजिए। सिर्फ पेशेवर अपराधी ही ऐसा बयान दे सकता है, एक जिम्मेदार सरकार ऐसा बयान दे ही नहीं सकती। जिम्मेदार सरकार, जब पूरी दुनिया की जिम्मेदार सरकारें अपनी अपनी जगह पर जांच बिठा रही हैं, तो जिम्मेदार सरकार कहेगी कि हमारे मंत्रियों का नाम आया है, हमारे चुने हुए इलेक्शन कमीशन का नाम आया है, हमारे जज के से जुड़े हुए मामला आया है, हमारी चुनी हुई सरकार का मामला है, हम जांच बिठाएंगे। चलिए ठीक है, ये बात मैं आपकी मान लेता हूँ कि अगर कि इनको भी जांच कराने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि हमने कुछ गलत किया ही नहीं, आप गलत ये कह रहे हैं कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। एक सेकंड, नहीं तो सवाल ये है, ऐसा मुझे एक बात बताइए, आपने कहा जिम्मेदार सरकार होती तो ऐसा करती, आपकी नजर में तो ये जिम्मेदार नहीं है, कम से कम आपकी नजर में, आपकी नजर में तो ये पार्लियामेंट नहीं चलने देना चाहते जिम्मेदार पे मैं कुछ। एक सेकंड, फिर रास्ते जाना पड़ेगा ना, फिर आपको दूसरे रास्ते जाना पड़ेगा, फिर आपको अदालत जाना पड़ेगा। वो नहीं जाएंगे, जो देश के देश में जिन लोगों को विपक्ष जो कि लोकतंत्र का प्रहरी रहता है, उसका सदन उसका मंदिर है, उस मंदिर में ये जो ठग पुजारी बैठे हुए हैं, पहले उन्हें धराशायी करेंगे, और हर रोज धराशायी करेंगे जब तक हम इन ठग पुजारियों से ये मनवा न ले कि चोरी में इनका हाथ है, तब तक सौरभ जी उत्तर दे जरा। अजय जी दे रहे जवाब इस बात का, वो कह रहे हैं कि हम पहले मंदिर में ही हम जो है इलाज करेंगे पूरा, यानी लोकतंत्र के मंदिर में, पार्लियामेंट में। अरे भाई अब क्या मैं बताऊं घनश्याम तिवारी जी को या कांग्रेस पार्टी को, जिद्दी बच्चे की हर बात नहीं मानी जाती है घनश्याम जी, कहां मुलायम अखिलेश की हर बात मान लेते हैं, नहीं मानते हैं ना। राफेल में भी जेपीसी चाहिए, इसमें भी जेपीसी चाहिए, भैया जाइए ना, बहुत देश का पार्लियामेंट का समय कीमती है, जाके कंप्लेन उप्लेन कर दीजिए, मिल जाएगा कौन सा ठग, कौन सा प्रहरी, कौन सा मंदिर, किसकी बात आप कर रहे हैं।
महिला सुरक्षा ये सब समाजवादी पार्टी बोले तो अच्छा लगता है क्या? मतलब खुद आईना होना देख लिया कीजिए सामने। महिला सुरक्षा की आप लोग बात कर रहे हैं, रेप को जस्टिफाई करने वाली पार्टी, और कह रहे महिला सुरक्षा, निजता का हनन, मतलब कुछ भी। सौरभ जी, अरे भैया कुछ ऐसा पेगासस नहीं हुआ है। अभी अच्छे खासे संख्या, 5 आपके MP हैं लोकसभा में, राज्यसभा में भी हैं। अच्छे देश के मुद्दों पे चर्चा कीजिए। यूपी का चुनाव आने वाला है, नकारात्मक मत बनिए कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस का तो मतलब नकारात्मकता हो गया आपकी नजर में। आप लोग असली लड़ाई में रहिएगा ना। आपकी नजर में ये पेगासस जासूसी वगैरह ये सब चर्चा बहस के भी लायक नहीं है। इनके बाद आ रहा हूँ सुप्रिया जी। अरे ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं, इनको पार्लियामेंट फेस करने की हिम्मत नहीं है। ये अपने कोरोना काल में इतना नेगेटिविज्म इन्होंने फैलाया है कि ये पता है कि इनको ये वैक्सीनेशन पे घिरेंगे, इनको जवाब देते हुए नहीं बनेगा। कोरोना में जो नेगेटिविटी फैलाई है ये उस पे घिरेंगे, इनको जवाब देते नहीं बनेगा। चलिए ठीक है, इनकी राज्य सरकारें जो विफल हुई है कोरोना में ये वहां घिरेंगे, जवाब देते नहीं बनेगा। दो कांग्रेसी ये सदन चलना नहीं देना चाहते हैं। सुप्रिया जी भगोड़े हैं ये लोग। जवाब दें सुप्रिया जी, फिर गौरव। फ्रांस ने ये पूरे मुद्दे की जो खबरें आई हैं 45 देशों से 17 न्यूज इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से उन्होंने जांच गठित करी है। इजराइल से जहां से इसका उत्पन्नता हुई है एनएसओ की, उसने हाई लेवल मिनिस्ट्री इंटर मिनिस्ट्रियल जांच गठित करी है। हमारे यहां सड़क छाप बातें करी जा रही है, लोकतंत्र के मंदिर प्रहरी व्रहरी करके इस तरह की सड़क छाप बातें कही जा रही हैं। और बार बार रफेल का नाम मत लीजिए। अपने बातों की आवाज सबसे पहले अपने कान में आती है फ्रांस में, और आप जो है सबसे पहले अपने कान में आती है, इसलिए सड़क छाप भाषा तो पता लगी रही है। दिक्कत सड़क छाप भाषा पता चल रही है ना, देश में अपनी आवाज अपने कानों में सबसे पहले पहुंचती है, चल रहा है, है ना। जासूसी का रैकेट करने वाले अपने मुंह पर काले एक से एक बढ़ते हैं। लोकतंत्र की कांग्रेस की बगिया के फूल बंद करें, और ये सबसे बड़ा गेंदा फूल हो सकता है नीतीश कुमार का। अरे सबकी आवाज गूंज रही है ना, अपने कानों की खनखनाहट गूंज रही है कि नहीं? आवाज की कैसी लग रही है? लग रहा है कोई शीशा डाल रहा होगा कान में। यहाँ पर आप प्रहरी की अपनी आवाज गूंज रही है ना कान में, नीतीश कुमार का फोन। अरे अपनी आवाज कान में गूंज रही है कि नहीं? कैसे आपकी आंख से कान गूंज रही है? पानी में अपनी आवाज गूंज रही है कान में। दिक्कत की बात सुनिए सुनिए, आवाज आती है यही कान में। देखिए कैसे शीशे ऐसी अचानक रही है आवाज। सड़क छाप बिहेवियर करेंगे, सड़क छाप बिहेवियर बत्री, सड़क छाप तो आप है, भाषा आपकी है। मैंने बोला ना कांग्रेस की सबसे बड़ी गेंदा फूल है आप। कुछ प्रेपरेशन सबसे बड़ी गेंदा फूल है आप कांग्रेस की। करिए सौरभ जी, मैं आपकी बात जाइए जाइए काम करिए। आपको तो जर्नलिज्म से भी निकाल दिया गया था, मैं तो डॉक्टर हूं कम से कम। अच्छा चलिए चलिए, मैं अब जरा इसी मुद्दे पर आखिरी एक गंभीर टिप्पणी चाहता हूं गौरव। आप गेंदा फूल, कांग्रेस की गेंदा फूल। सरकार होने के नाते जिम्मेदारी ये भी है कि पार्लियामेंट भी चले, उसके लिए विपक्ष को साथ लेना पड़ेगा। विपक्ष अगर आरोप लगा रहा है तो हो सकता है उनको सुनना भी पड़े। मुझे बताइए आगे का रास्ता कैसे निकलेगा। सौरभ जी बेहतरीन बात आपने कही कि पार्लियामेंट चले और ऑपोजिशन को सुनना पड़ेगा। सुनना पड़ेगा तो संसद के पटल पर ना, वहां पे तो आप कागज फाड़ रहे हैं, अपनी इज्जत को उतार रहे हैं। और आपको बता दूं, मोदी जी की जब से सरकार है, प्लीज फिर से देखिए आगे। अब आप अपनी बात नहीं समझ रहे हो, आपकी आवाज आ रही है। बहन जी को बीमारी है, गेंदा फूल है, ये बीमार है भाई। इसमें सौरभ जी देखिए अच्छा नहीं लगता है, ये बीमार है, मैं बता रहा हूँ आपका। क्या मैं कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ इनकी बीमारी ठीक करने के लिए, इलाज हो जाए? मैं ट्रीटमेंट कर गौरव समझ आ रहा है, पूरा कीजिए, आपकी आवाज आ रही है घर में बहन। देखिए मैं इतना ही कहूंगा, सरकार की बिल्कुल जिम्मेदारी होती है, और ये कहते हैं पार्लियामेंट लोकतंत्र का मंदिर है, तो जो कागज फाड़ रहे हैं मंदिर में ये काम करना क्या ठीक था? चलिए ठीक है, और क्या नागरिक की जिम्मेदारी नहीं है एक कंप्लेंट दे दे? राहुल गांधी को किस बात का डर लगता है कंप्लेंट देने में, मुझे आप बताइए। सड़क छाप बातें, चलिए उम्मीद करते हैं अब जब अगले दिन संसद बैठेगी, राज्यसभा लोकसभा बैठेगी, तो शायद आज से कुछ अलग और फर्क नजारे देखने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सारे मेहमानों का, और आइए अब चलते हैं नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।